जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट को लेकर। जी हां दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है लंबे समय के इंतजार के बाद में, और अब आप लोगों को फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी हां दोस्तों, कब से आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होंगे और कब तक आप लोगों का फिजिकल शुरू होगा, तो अब आपके पास में कम समय बचा। ऑफिशियली तरीके से अगर बात करें तो एग्जाम आपकी जो फिजिकल की डेट है वो आ चुकी है। साथ ही दोस्तों सीआईएसएफ की तरफ से जितने भी आपके फिजिकल के सेंटर बने हैं उन सभी की लिस्ट भी आ चुकी है। तो आपका फिजिकल कौन से सीआईएसएफ के सेंटर में होगा, बिल्कुल पूरी लिस्ट में आपको बताने वाला हूं। साथ ही बात करेंगे एडमिट कार्ड है वो अगस्त में किस दिन जारी होंगे और किस दिन से आप लोगों के फिजिकल शुरू हो जाएंगे, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस ऑफिशियली अपडेट के साथ में बताने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी जाके आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूं दोस्तों। ये नोटिस आप देख रहे होंगे, ये पैक्स नोटिस है जो कि सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से जारी किया गया, और 19 जुलाई को ये नोटिस है ये पब्लिश किया गया था, जो कि एक पैक्स नोटिस है। और ये नोटिस दोस्तों सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट 2021 से जुड़ा है। सबसे पहले मैं आपको अलग अलग पूरी जानकारी बता देता हूँ। पीटी और पीएसटी को लेकर जितने भी फिजिकल के सेंटर है सभी को ये लेटर है, ये पैक्स किया गया है। और आप लोगों का जो फिजिकल है उसका महीना यहाँ पर बात करें तो अगस्त से लेकर सितंबर तक आप लोगों का फिजिकल चलेगा। और अगर बात करें तो दोस्तों 15 अगस्त के लगभग आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और 20 अगस्त से आप लोगों का फिजिकल भी शुरू हो जाएगा। तो अब आपके पास में ज्यादा समय नहीं बचा है, कम से कम बात के मान के चले तो मात्र 15 से 20 दिन आप लोगों के पास में बचे, और इस 20 दिन में आपको अच्छी मेहनत करनी होगी तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। अगर बात करें तो फिजिकल के सेंटर भी आ चुके हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। ईस्ट सेक्टर की बात करें, जितने भी कैंडिडेट जो बिहार और झारखंड से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए 7 सेंटर यहां पर बनाए गए। अगर सेंटरों की बात करें तो दोस्तों आईओसी बरूनी है, उसके साथ ही केएस एसटीटीपी खरियागंज है, उसके साथ ही बीएसएल बोकारो आपका, बीसीसीएल धनबाद, एचईसी रांची, सेकंड आरबी रांची, बीएसटीपीपी एनटीपीसी बराब में आपका लोगों का फिजिकल होगा। अगर आप एससीएस कोलकाता रीजन से बिलोंग करते हैं, अगर आप अंडमान निकोबार आइसलैंड सिक्किम ओडिशा और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के 3 सेंटर बनाए गए, जो कि आरएसपी रुड़की में होगा, उसके पास एसपीएमपी कोलकाता में होगा और डीएसपी दुर्गापुर में आप लोगों का फिजिकल होने वाला है। बाकी अगर बात करें साउथ सेक्टर की तो साउथ सेक्टर में दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना से जो अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 फिजिकल के सेंटर बनाए गए, जो कि वीएसपी विशाखापट्टनम, बेल आपका हैदराबाद, सीएचपीटी चेन्नई, पीएसटी उद्योग मंडल, उसके साथ ही 10वीं आर्मी बटालियन है वो बेंगलुरु में आप लोगों का होगा। अगर वेस्ट सेक्टर की बात करें जिसमें आपके महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव से जो अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 यहाँ पर फिजिकल के सेंटर बनाए गए, जिसमें आरसीएफएल मुंबई, आईएसपी नासिक, आईओसी बड़ौदा में आप लोगों के सेंटर बनाए गए। अगर सेंट्रल रीजन की बात करें जिसमें आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के युवाओं को यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिसमें आपके 3 सेंटर बनाए गए, बीएनपी देवास है आपका, आरटीसी भिलाई है, उसके साथ ही वैल भोपाल में आप लोगों का ये सेंटर बनाया गया है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को फिजिकल के लिए आईओसी गुवाहाटी जाना होगा। अगर आप नॉर्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान से, तो आप लोगों के जो सेंटर बनाए गए वो यहाँ पर बनाए गए। पहला सेफ सेलाई में बनाया गया, दूसरा आपका एनएपएल बठिंडा में, तीसरा आपका चंडीगढ़ में, चौथा आपका देवली में, पांचवा आपका यहां पर जयपुर में भी है और आखिर आपका कोटा में। इतने सेंटर आप लोगों के फिजिकल के यहां पर बनाए गए। तो बिल्कुल दोस्तों आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, 20 अगस्त से आपके फिजिकल शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और 15 अगस्त तक आप लोगों के एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। दोस्तों सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही पूरी जानकारी आप डिटेल से देखना चाहते हैं, साइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।